तो कहानी शुरू होती है एक ब्रेकअप से और उस ब्रेकअप को पीसफुल बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हैं रणबीर और बसी यानी कि मिकी और मनु। मिकी दिल्ली के एक अमीर परिवार से है जिसके कई सारे बिजनेसेस हैं और मनु उसका चड्डी बड्डी है। खैर कहानी में आगे मिकी और टिनी यानी कि श्रद्धा कपूर की मुलाकात होती है और टिपिकल बॉलीवुड मूवी की तरह इस बार भी एक गाने में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तो इस तरह कहानी काफी धीरे धीरे से आगे बढ़ती है, कुछ ज्यादा ही धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, दोनों की फैमिलीज मिलती है, लेकिन टिनी को रियलाइज होता है कि वो मिकी के फैमिली के साथ नहीं रह सकती और वो पीसफुल ब्रेकअप करने वाले एजेंसी से कॉन्टेक्ट करती है। और सरप्राइज सरप्राइज फोन के दूसरी तरफ है मिकी। तो अब क्या होता है ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी का फर्स्ट हाफ काफी स्लो था, वही सेकंड हाफ थोड़ा बहुत एंजॉय करने लायक था, लेकिन उसके लिए आपको काफी इंतजार करना पड़ता है, तब तक आप बहुत बोर हो जाते हो। मूवी में कुछ प्लॉट होल्स थे, जैसे कि पहली बार रणबीर का कैरेक्टर इतना अमीर है और फैमिली बिजनेस भी अच्छे से चल रहा है, फिर भी उसे अलग से साइड बिजनेस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। और दूसरी बात, ये दोनों फोन पर बात करते वक्त एक दूसरे की आवाज नहीं पहचान रहे थे, हालांकि मूवी में भी इस बात को एड्रेस किया गया है। बाकी अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो लगभग सभी के परफॉर्मेंसेस अच्छे थे। रणबीर कपूर को कई दिनों बाद अपने रोम कॉम वाले अवतार में देखा और देखकर मजा आ गया। वही श्रद्धा कपूर का भी परफॉर्मेंस अच्छा था, बसी की पंचलाइंस अच्छी थी लेकिन एक्टिंग में वो थोड़ा मात खा गए। वही डिंपल कपाड़िया का परफॉर्मेंस भी अच्छा था पर कुछ जगहों पर वो थोड़ी लाउड लग रही थी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी ने इम्प्रेस किया था तो वो थी ये छोटी बच्ची, उसका परफॉर्मेंस काफी मैच्योर और एंटरटेनिंग था। अगर म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक भी काफी अच्छा था, प्रीतम और अरिजीत की जोड़ी का जादू फिर से चल गया है और ब्रेकअप में बजने वाले गानों के प्लेलिस्ट में एक नया गाना जुड़ गया है और उस गाने का नाम है ओ बेदर्दिया। और मूवी के आखिर में जो फैमिली वाला मैसेज दिया है वो भी मुझे अच्छा लगा। अगर ओवरऑल बात करें तो मूवी ठीक ठाक थी, लेकिन रणबीर कपूर की इससे पहले आने वाली सारी रोम कॉम इससे तो बढ़िया ही थी। मैं उनसे थोड़ी बेटर स्क्रिप्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहा था। तो ये था मेरा तू झूठी मैं मक्कार मूवी का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, कीप स्माइलिंग।